नहीं लोकप्रिय अखिलेश जी तो दोबारा जीवन में आए क्यों नहीं? अरे आए क्यों नहीं? कहाँ गए? मेरे को सुनो, तीसरी बार को फेल हो दुख की बात नहीं है यार। अरे ना दुख अपना व्यक्त करने दो भाई, गुस्से में है ये गुस्से में है। अरे सरकार बनाते दम था, बन गई। अरे हम बना लेंगे, कब कभी टाइम आने, जब मर जाएंगे, जब मर जाएंगे। राजा सबके लिए बोल रहे हैं, नाम प्लेट लगा दे, खाली मुसलमान के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हिंदी के लिए भी बोल रहे हैं भाई। कई आप इनके मुसलमान लोग भी, ये ऐसा होता है कि झटका वाला नहीं खाते हैं, कहते हैं भेदभाव हो रहा है। हाँ भेदभाव हो रहा है, क्यों जीत नहीं रहे ना, दिक्कत ये है भाई। मैं सब्सिडी तुमसे ले रहा हूँ, वोट इस भैया को दे रहा हूँ, ये भैया जीतना चाहिए। फिर सुनो, ये तीसरा मौका था इनके पास, ये तीसरा मौका था, ये भी इन्होंने गवा दिया। अब ये दुख की लहर है इनके लिए कि सत्यानाश हो गया, तीसरी बार भी मोदी जी फिर आ बैठे। कुछ लोगों को एक विशेष वर्ग को इतना दुख है कि भाई ये तीसरा मौका था, बेइज्जती हो गई देश में। इतने लोकप्रिय थे, एक मिनट, लोकप्रिय थे मोदी जी 2003 में, 2019 में 303 सीटें लाए थे, तो कहाँ गई लोकप्रिय उनकी? कहाँ गई? 240 पे आ गए। मैं कह रहा हूँ आप बायकॉट करो, अरब देशों से तेल आ रहा वो भी मत लो। बोलने दो महाराज, भाई सुनो तो सही, भाई सुनो, इतने लोकप्रिय अखिलेश जी तो दोबारा जीवन में आए क्यों नहीं? अरे आए क्यों नहीं? कहाँ गए? राजनीति चल रही है नेम प्लेट को लेकर बताइए, आखिर नाम छुपाने की वजह, उसके पीछे नाम छुपाने की, किसके चलेंगे? मोदी के चलेंगे? नहीं, पूछ के चलेंगे। नहीं कुछ ना होता, कुछ ना होता, जाते रहो। नायडो, नीतीश बाबू, क्या मैं साइन कर दूं? कर दो। ठीक है, नेम प्लेट लेके हम बातचीत कर रहे हैं। नेम प्लेट जिस प्रकार से राजनीति इसमें गर्म है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुजफ्फरपुर हो गया, इस चीज को लेकर क्यों खाते हैं नेता? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? संसद में नॉनवेज की थाली है, नेता क्यों खाते हैं? देखो ये तो चौदह बात की बात है, यहाँ पे दुकानों पे नेम प्लेट के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नेम प्लेट बदलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बड़े लेवल पे बिजनेस है भैया, रेड़ी पटरी वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? बेरोजगार तो पहले से ही है लोग, जो बड़े पूंजीपति जो बूचड़ खाने चला रहे हैं, जिनके होटलों के नाम और जिनकी कंपनियों के नाम अल कबीर, अल नजीर, अल फजीर है, वो भी तो चेंज करो। क्या कह रहे? तीसरी बार, अब मेरे को सुनो, तीसरी बार को फेल हो दुख की बात नहीं है यार। अरे ना दुख अपना व्यक्त करने दो भाई, गुस्से में है ये गुस्से में है, गुस्सा है क्या? किस चीज से गुस्सा है? 40 लाके 10 दिन तक चांदनी चौक में अगर नहीं आए, लगाने माइक लगा दीजिए, काट रहे नहीं, दावा पेश क्यों क्यों नहीं? अरे सरकार बनाते दम था, बन गई। अरे हम बना लेंगे, कब कभी टाइम आने, जब मर जाएंगे, जब मर जाएंगे। बनाओगे कब? बनाओगे कब? क्वेश्चन तो समझ पूछने देंगे तभी ना, पहले क्वेश्चन तो पूछे। जो योगी जी का फरमान अभी आया है उत्तर प्रदेश में लेके, बहुत सही है, एक नंबर का फरमान है, एक नंबर का। कैसे नहीं है बताइए ना, कैसे नहीं? मान नाराज है इस फैसले से। अरे क्यों नाराज है? सबके लिए बोल रहे हैं, नाम प्लेट लगा दे, खाली मुसलमान के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हिंदी के लिए भी बोल रहे हैं भाई। कई आप इनके मुसलमान लोग भी, ये ऐसा होता है कि झटका वाला नहीं खाते हैं। इमरान खान भी भाई साहब नहीं खाते हैं ना? नहीं, एक मिनट सर, उसको भी वोट पड़ेंगी। एक मिनट, अरे सर वो कहा है, इमरान को, ये हमारे भाई इमरान को थोड़ी वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे? क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, भाई साहब आपने सुना होगा कि आपने एक लेबल आता है कि झटका लेबल, माने झटका की हलाल, उसका लेबल के लिए लोग मांग किए थे ना, तो वो जायज है, तो ये नाजायज कैसे है? हम लोग भी हैं भाई, कुछ हम लोग का भी तो कुछ है कि नहीं? हम लोग भी जैसे कांवर वाले लेके जाते कांवर,
तो आप नाम अपना सही बताओ ना। सब नहीं खाते ना वहीं पर। मुसलमानों की स्थिति पहले से भी खराब थी, अब ये फैसला आ गया इससे और खराब हो जाएगी। अरे कहाँ खराब है यार, कौन बोल रहा है खराब है। मैं भदोही का रहने वाला हूँ, वहाँ एक्सपोर्टर 90% मुस्लिम है। कालीन का एक्सपोर्ट होता है, गलीचे का, कारपेट का, 90% मुस्लिम है, सब खुश हैं। जो गाड़ी इंडिया में पहले आती है पहले वहाँ जाती है, वहाँ के ही लेते हैं एक्सपोर्टर। चाहे जो गाड़ी आए नई इंडिया में लॉन्च होती है वो पहले भदोही आती है। लेकिन काफी विपक्ष लगातार नाराज है, कह रहा है कि बांटने की राजनीति हो रही है। कैसे बांट रहे हैं बताइए यार, कैसे बांट रहे हैं, सबको आवास मिल रहा है। हिंदू मुसलमान करेंगे फिर जातिवाद करेंगे, सबको आवास, सबको राशन, सबको मिल रहा है। पार्टी नहीं है, आवास लेते टाइम या सब्सिडी लेते टाइम कोई पार्टी नहीं है। अरे योगी जी सबसे बढ़िया, सब्सिडी लो और वोट उसे दो मत, खेल खत्म। पहले हिंदू मुसलमान बांटेंगे फिर जातिवाद में बांटेंगे। भाई साहब ये तो बात ही वही है जो पढ़े लिखे हैं ही ना, पढ़े लिखे इनकी बात ही नहीं है, ये एजुकेटेड लोगों की बात ही नहीं है। क्या हुआ अब तक भाई, अपराधी को सजा मिल रही है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, या कोई पब्लिक के उसमें वो सब्सिडी मिल रही है, सबको बराबर ना मिली, आवाज मिले हैं, सिलेंडर मिले हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। अच्छा सबसे आगे चल रही है पब्लिक, और लेते टाइम कुछ नहीं, वोट देने का नंबर क्यों कहते हैं भेदभाव हो रहा है। हाँ भेदभाव हो रहा है, क्यों क्यों जीत नहीं रहे ना, दिक्कत ये है भाई। मैं सब्सिडी तुमसे ले रहा हूँ, वोट इस भैया को दे रहा हूँ, ये भैया जीतना चाहिए, फिर गड़बड़ हो रही है ना। भेदभाव कहाँ हो रही है आपके साथ भाई साहब? हमारा कोई नेता तो है नहीं ओवैसी के अलावा, नेता नहीं आपके पास, आपके आपके प्रधानमंत्री को वोट देते हैं करे 48% भैया बढ़िया फैसला है सब। ये छोड़िए सर, कितने आईएस हुए इस साल मुस्लिम, आप बताइए मालूम है? तब बोले कभी आज तक बताइए हुए थे तो सर, मतलब मोदी जी ने भेजा उन्हें तो 7 साल में 70 पेपर के। संविधान की ताकत तो है ये, कह रहा हूँ कि आज तक संविधान की इजाजत है, इनका क्या कहना है कि आज तक कितने हुए, इसका मतलब मोदी जी ने 42 आईएस बना दिए। आप इसको क्या आप बात कर रहे हैं? देखिए सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ धर्म किसी का कुछ भी हो, अगर वो अपनी मेहनत से आ रहा बनके। आईपीएस की बात कर रहे हैं, सपा सरकार में एक सिपाही ने कहा भाई साहब 6 लाख दे के आया हूँ, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत मजा मेरे बेटे। अब तो 6 दे के भी काम ना हो रहा, वो 6 भी अंदर रखे जा रहे हैं। माने आप उसको सही मान रहे हैं? 70 पेपर लीक, माए तुम 6 लाख को सही मान रहे हैं आप जो लेके गए? 14 पेपर लीक हो गए यार, पेपर लगातार यूपी में पुलिस का पेपर लीक होना। हाँ तो पकड़ा रहे हैं ना, पहले तो लीक का पहले ही पेपर हो जाता था, किसी को पता ही नहीं था नौकरी मिल जाए। आप बात नहीं समझते, आप नहीं समझ रहे, आप बोल रहे हो घूस देकर मोदी जी पास करा रहे हैं। योगी जी का फरमान लेके, क्या नाम है आपका? ऐसा होता है, चंदन नाम है मेरा, मैं यूपी से हूँ। तेज बोलिए, चंदन नाम है मेरा, मैं यूपी से हूँ। क्या कहेंगे, योगी जी का फरमान आया है मुसलमानों के लिए, सबके लिए आया है। हाँ ठीक है, सबके लिए आया है, सबके लिए आया है, तो अच्छा है किया है वो, नहीं हमारी आवाज इतनी है। जो योगी जी ने किया है वो एकदम एक्यूरेट बढ़िया किया है। बढ़िया कैसे, वही तो सवाल उठ रहा है। अगर मान लीजिए कोई कांवड़िया अगर जाता है तो किसी मुसलमान के दुकान पे जलपान कर लेता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करते। नेम प्लेट की जरूरत क्या है भैया? नेम प्लेट की जरूरत इसलिए है कि ये किसी की दुकानदारी फेल करने के लिए या किसी का व्यवसाय फेल करने के लिए नहीं निकला है, लेकिन आप इसे कैसा ही ले लो, क्योंकि विपक्ष तो तोड़ मरोड़ का कहेगा भाई, क्यों हार का गम बड़ा बड़ा वो होता है गहराई वाला।